और जब आदमी इस्तग़राक के उस मकाम पर जा पहुंचे कि दुनिया माफी है, बिल्कुल गाफिल हो जाए, खो जाए अपने जिक्र, तो बाज़ औक़ात ये इस्तग़राक ही इंसान की डिस्ट्रेक्शन का बाइस बन जाता है। एफर्ट इस पे करनी चाहिए। पहली एफर्ट तो ये है कि मैं जिस तरह से मुझ पर इबादत फर्ज है, इबादत मुकम्मल कर ली। जब इंसान इबादत की अदायगी में पुख्ता हो जाए तो फिर एफर्ट ये होनी चाहिए कि मैं ये इस्तग़राक हासिल करूं, और वो इस्तग़राक फिर आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देगा। इसी तरह जब हम दुआ मांगते हैं उसमें इस्तग़राक बड़ा जरूरी होता है। जब कोई शख्स पूरी तरह डूब कर अल्लाह से दुआ मांगता है, दुआ कबूल फरमाने वाला है, रोज अगर एक दुआ मांगते हैं तो वो फिर मैकेनिकल प्रोसेस में हम चले जाते हैं, रटी गई, तो जहन कहीं और भटक रहा है, जुबान से हम दुआ मांगते चले जाते हैं। तो अगर हम अल्फाज बदल लें हर रोज नए तरीके से, तो इस्तग़राक आ जाए।